अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, चंद रोज कबल यूएस कांग्रेसमैन का यूएस हाउस में खड़े होकर बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने का मुतालबा, और फिर अमरीकी कांग्रेस के टॉप डेलीगेशन की जिला वतन बलोच लीडर से मुलाकात और हर तरह की मदद की यकीन दहानी के बाद ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस नजर आ रहा है, और इस आलमी साजिश में इसराइल एजेंसी मोसाद और भारत इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी शरीक नजर आ रही हैं। अमेरिका इसराइल और इंडिया पर मुश्तमिल ट्राइका पाकिस्तान को क्यों तोड़ना चाहता है और उनके मकासद क्या हैं? इससे कदा नजर अहम सवाल यह है कि क्या हमारी हुकूमत, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान तोड़ने की इस आलमी साजिश से बाखबर भी हैं? सवाल ये भी अहम है कि अगर हुकूमत और फौज बाखबर है तो क्या इस साजिश से निमटने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि बलोचिस्तान के मामलात की खराबी में अफगानिस्तान का क्या किरदार है और ये साजिश अफगानिस्तान में कब और कैसे तैयार की गई। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के दौरे सऊदी अरब को भी खासी अहमियत दी जा रही है। बाज हल्के इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में दो तरफा तावुन से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के शिद्दत पसंदों के साथ मुजाकरात के तनाजर में भी देख रहे हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि सऊदी अरब इन मुजाकरात में क्या रोल अदा कर सकता है। हम अपने आज के शो में इन्हीं मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात पर ही बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे मेरे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जायद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जायद हामिद साहब। जायद हामिद साहब, आप जान गए होंगे कि हम आज अपने शो में बात करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल फैक्टर से खतरात दरपेश हैं, और उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो चंद रोज पहले यूएस हाउस में यूएस कांग्रेसमैन का खड़े होकर बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बात है, जिसमें उसके मुताबिक बलोचियों को उनका हक इरादियत, हक खुद इरादियत और उनकी आजादी उसी वक्त मिल सकती है जब बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए। हम उसका क्लिप पहले देखना चाहेंगे, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। Baluch leaders from the Baluch area, the Baluchistan area of Pakistan. It's the area where most of Pakistan's minerals are located. It's an area where Pakistan has, for many years, terrorized the Baluch people, killed them, just persecuted them mercilessly. They want the Baluch area's minerals and assets to keep Pakistan going and basically radicalized. It's time to look at encouraging a new Baluch state, a new country of Baluchistan, as independent of Pakistan, so that the people can live in peace. So they don't have to be worried about Pakistan officials and military coming through and committing really crimes against these people. To Pakistan, that area was important. जी जायद हामिद साहब, जैसा कि आपने सुना, यूएस कांग्रेसमैन लुई गोमर जो हैं वो खड़े होकर चंद दिन पहले अपने यूएस हाउस में कहते हैं कि बलोचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे मादनियात मिनरल से रिच सूबा है, वहां पे बलोचियों को टेररराइज किया जा रहा है, रेडिकुलेट किया जा रहा है, और इसलिए बलोचिस्तान को आजाद करा देना चाहिए पाकिस्तान से ताकि बलोची आजादी से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। देखिए, पाकिस्तानी कौम अगर अब भी बेदार नहीं होगी ना, फिर इस बात का इंतजार करें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम बलूचिस्तान में अमेरिकन टैंक्स और पाकिस्तान की मगरबी सरहदों, मशरकी सरहदों के ऊपर भारतीय टैंक और हमारे अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर खवारिज जो हैं टीटीपी के, वो पाकिस्तान की तरफ हमला आवर होंगे। इस बेगैरत और बेशरम इंसान से कोई ये पूछे कि तुमने अमरीका किस तरह बनाया था, 25 करोड़ मकामी रेड इंडियंस को तुमने कत्ल करके, तबाह बर्बाद करके जो नेटिव पॉपुलेशन थी तुमने कब्जा किया है, और ये बेशरम हमें लेक्चर दे रहा है कि पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म कर रहा है, लिहाजा बलोचिस्तान को आजाद कर देना चाहिए और अमेरिका को बराह रास्त इसमें दखल देकर बलोचिस्तान तोड़ देना चाहिए। यानी ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई हमारा एमएनए खड़ा होकर यह तकरीर करे
कि अमेरिका ने चुके रेड इंडियंस पे बड़े जुल्म किए हैं, लिहाजा हमें टेक्सास की रियासत को, न्यूयॉर्क की रियासत को, फ्लोरिडा की रियासत को तोड़कर अमेरिका से अलग कर देना चाहिए और वहां मकामी तहरीक आजादी को भड़काना चाहिए। यह बात अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हो तो कैसी पूरी दुनिया में तूफान बरपा हो जाएगा। और लेकिन इस बेगैरत के इस बयान के बाद ना पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई नोटिस लिया, ना दुनिया में किसी हुकूमत ने नोटिस लिया, ना पाकिस्तानी मीडिया में किसी ने बात की। और हकीकत यह है कि बिल्कुल साफ अब हम जो बात आपको बता रहे हैं, ये बार बार हम इस अजान को दे रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने का खेल अब आखिरी दौर में दाखिल हो चुका है। 2014 में फैसला हो जाएगा कि ये पाकिस्तान किस सिमत जाता है। लेकिन सैयद हामिद साहब, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है इस स्पीच को सुनकर जो अभी चंद रोज पहले ही की गई है, कि यूएस को, अमेरिका को ना मसला फलस्तीन नजर आया, ना मसला कश्मीर नजर आया और मसला बलोचिस्तान को ये उठा के खड़े हो गए हैं। तो अफगानिस्तान से इनकी अगले साल इवैक्यूएशन हो रही है, अगले साल ये अफगानिस्तान से जा रहे हैं और ऐसे वक्त में बलोचिस्तान में दिलचस्पी, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, बलोचिस्तान में दिलचस्पी तो सोवियत यूनियन को भी थी। सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था तो क्या मकसद था उसका? उस वक्त की बात कही जाती थी कि गर्म पानियों तक नीचे आना चाहता है गल्फ तक, ताकि अफगानिस्तान से क्रॉस करके बलूचिस्तान पहुंचेगा। और उस वक्त सोवियत यूनियन बलूचिस्तान में बगावतें बर्पा करवाता रहा है। 60s-70s में जो बगावतें बलूचिस्तान में हुई हैं सोवियत यूनियन करवा रहा था। अफगान जिहाद ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, अमेरिकन अब यहां पहुंचे, यहां पर वो यही काम कर रहे हैं। अब बीएलए ने अपने खुदा तब्दील कर लिए। ये जो लंदन में मुलाकात हुई है, ये नवखान ऑफ कल्लाद के साथ और हिबरियार मरी के साथ, ये आम लोगों ने मुलाकात नहीं की, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का है, ये यूएस कांग्रेसमैन है। और अब आप पूरी दुनिया के मीडिया में देख रहे हैं कि एक कैंपेन बिल्ड हो चुकी है, बिल्ड की जा रही है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में जुल्म कर रहा है। बाकायदा बलूचिस्तान को तोड़ने का फैसला ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कर चुकी है, उसके लिए बाकायदा अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जाके खान ऑफ कल्लाद और बलोच सेपरेटिस्ट से, कि जो इस वक्त जिनकी तादाद सच्ची बात अगर देखें तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, 4-5 लीडर्स हैं जो मुल्क के बाहर हैं, 15,000-20,000 उनके मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में। फिर हमें क्यों उससे खतरा फील होना चाहिए? हमें उनसे तादाद ही 10-15,000, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। अगर ये बीएलए के दहशतगर्द पाकिस्तान तोड़ सकते हैं तो नाउजु बिल्ला तोड़ लेते, ये नहीं कर सकते। खतरा इस बात से है कि अमेरिकन इन्वॉल्व होंगे, इंडियन फोर्सेस लैंड करेंगी बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान से अफगान नेशनल आर्मी और इंडियन आर्मी दाखिल होगी, इससे खतरा है। बात यह है, देखिए बेनगाजी में, लीबिया में इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल यही सिनारियो था। लीबिया के अंदर दो पोर्ट्स थी, एक बेनगाजी की थी, ट्रिपोली की थी। इन्होंने गद्दार तैयार किए, इन्होंने लोकल दहशतगर्द तैयार किए और उनको बेनगाजी में लैंड कराया। सारी नेटो फोर्सेज बेनगाजी में लैंड की। पहले एक दफा उन्होंने बेनगाजी को साफ किया कजाफी की फोर्सेस से, उसके बाद आगे बढ़ते गए और आखिर में जाके कजाफी को नाली से निकाल के कत्ल कर दिया। बात यह कि ये गवादर पर लैंडिंग करना चाहते हैं। मैं आपको ज्यादा हमें साहब, कर्नल राफ पीटर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं बलोचिस्तान के हवाले से, और फिर जो मैप उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, नया नक्शा जो है वो बता रहे हैं जिससे बलोचिस्तान को अलग कर दिया गया है और पाकिस्तान को जिस तरह से सुकेड़ दिया गया है, हम वो भी देखना चाहेंगे। उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Baluchistan is occupied territory. It never willingly acceded to Pakistan, does not now wish to be part of Pakistan. If a plebiscite or referendum were held tomorrow, it would vote to leave Pakistan, as would every province and territory west of the Indus River. We have a fundamental problem in that we refuse to see Pakistan for what it is. Pakistan is bisected by the Indus River. To the east of the Indus River is metropolitan, core Pakistan, the Punjab, and to a great extent, the province of Sindh. It is the world of the subcontinent. It is a different civilization from that west of the Indus River. West of the Indus River, in the occupied territories, you have the culture of Central and Mid-Asia. When you cross the Indus River either way, even the food is different. And we look at this occupied territory of Baluchistan specifically, where people who simply yearn for fundamental freedoms, for the right to determine their own future, whether or not they have a battery of qualified teachers ready to go. We must admire their determination to sacrifice everything against enormous odds in Pakistan and Iran for the simple right to say, I am a Baluch. I will decide my own future. The Pakistani government is not our friend. It is not the friend of the Baluch or the other subjugated peoples west of the Indus River.
जी जैद हामिद साहब, आपने इन कर्नल रैफ पीटर्स की बात सुनी, ये बलोच से ज्यादा हमदर्दी, पाकिस्तानी हुकूमत से ज्यादा हमदर्द नजर आ रहे हैं। इनके मुताबिक कभी बलोचिस्तान विलिंगली जो है पाकिस्तान के साथ उसने ज्वाइन नहीं किया था, और अगर कल रेफरेंडम करवाया जाए तो बलोच लोग अपनी राय पाकिस्तान से अलहदगी की सूरत में देंगे। देखिए, इस बेशरम यहूदी की, इस जायनिस्ट की हम तारुफ भी थोड़ा सा आपको करा दें। ये वो कर्नल रॉल्फ पीटर्स है कि जिसने न्यूकॉन्स के लिए, ये जो इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले बुश के दौर से शुरू हुई और अब ओबामा में, इनके लिए जो पूरा मिडल ईस्ट का नया नक्शा बना है, जो मशरकी वुस्ता को तोड़ा जा रहा है, ये जंगें मुसलत की जा रही हैं, ये सारा इस बदबख्त का डिजाइन करता है। और इसमें इसने इराक को तोड़कर कुर्दिस्तान की अलग रियासत बनाई थी, शिया रियासत अलग बनाई थी जनूब में, साथ बलूचिस्तान को आजाद करके, फिर ये जो बात इसने कही है कि पाकिस्तान दरियाए सिंध बीच में से गुजरता है, तो दरियाए सिंध के मगरिब पे जितना भी पाकिस्तान है उसको तोड़कर कुछ अफगानिस्तान को दे दो, कुछ इलाके आजाद करके आजाद बलूचिस्तान बना दो, और पाकिस्तान को सिर्फ इतना छोटा कर दो कि दरियाए सिंध के मशरकी साइड पर, यानी पंजाब और सिंध का जो इलाका है, बस ये पाकिस्तान होना चाहिए। ये बदबख्त ये फैसले हमारे बारे में कर रहा है, और पूरी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसको हल्का ना लीजिएगा। जो पूरी इस वक्त वॉर स्ट्रेटेजी ग्रेटर मिडल ईस्ट में अमेरिका ने बनाई है, इस शख्स के नक्शे पे बनाई हुई है। आपने देखा है कि आज कुर्दिस्तान आजाद हो चुका है तकरीबन, इराक के जनूब में शिया रियासत बन चुकी है, आने वाले वक्तों में ये सऊदी अरब को भी तोड़ेंगे, और इन्होंने सऊदी अरब का सारा इलाका तोड़कर अलग करना है, और मक्का मदीना और हिजाज को वेटिकन की तरह एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के मामले, सऊदी अरब क्योंकि इनकी गोद में रखा हुआ है, इनको पता है जब चाहेंगे वो काम कर लेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब को ही नजर नहीं आ रहा, सऊदी अरब वाले कुछ कर नहीं सकते, फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह, और मसला इनका सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब तो जैसे कहा कि इनकी गोद में रखा हुआ है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है, एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर जिसकी आर्मी अभी तक यूनाइटेड है, हथियार हमारे अपनी जगह पे हैं, ये किसी मुसलमान मुल्क को एटमी हथियार नहीं रखने दे सकते, और अब इनको, अब इन्होंने स्टेज ये आ गई है कि इन्होंने कहा कि हथियार हम नहीं ले सके, अब बराह रास्त फिजिकली इन्वॉल्व हो, और इस तरह जितना पाकिस्तान आज घेरा गया है, हम अपनी तारीख में 71 के में भी इतने घेरे नहीं गए थे जितने आज घेरे गए। पूरा समुंदर और बलूचिस्तान में अमेरिकन और नेटो फोर्सेज हैं, तैयार हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द और खवारिज हैं, और इस तरफ इंडिया बैठा हुआ है, और ये सारे एक साथ पाकिस्तान में दाखिल होंगे उस वक्त जब टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही फैला चुकी हो कि पाकिस्तान आर्मी ना बलूचिस्तान में रेजिस्ट कर सके, ना मशरक में, ना कश्मीर में, और ना ही मगरब की साइड पर। यह वो जंग है जिसको हम फिफ्थ जनरेशन वॉर कह रहे हैं। टीटीपी जो अब आपसे अमन के मुजाकरात की बात कर रही है, वो सिर्फ टाइम गेन कर रही है, वो पाकिस्तान को इंटरनली मसरूफ रखेगी, और टाइम गेन कर रही है इस वक्त के ताकि अमेरिकन तैयार हो जाएं, बीएलए और रीऑर्गेनाइज हो जाए। देखिए, एक हम खुदा के वास्ते होश में आ जाएं, ये हमने बातें नहीं की, आपने कर्नल राल्फ पीटर्स के अल्फाज सुन लिए, आपने उस वक्त यूएस कांग्रेसमैन के अल्फाज सुन लिए इस वक्त, और ये हमें टर्की से, ये बात हमने इस प्रोग्राम में पहले भी कही थी, हमारे टर्किश दोस्तों ने, टर्की से हमें थिंक टैंक्स ने कहा है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में लॉबिंग हो रही है बड़ी स्ट्रांग कि बलूचिस्तान को आजाद करना है, और उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी हुकूमत जवाब क्यों नहीं देती। हमने कहा हमारी हुकूमत को तो शायद पता ही नहीं है कि ये लॉबिंग पूरे यूरोपियन यूनियन, हमारी हुकूमत एक मुजाकराती टीम उन्होंने तालिबान के लिए बना दी है, पार्लियामेंट में खड़े होकर गैर पार्लियामानी टीम जो अनाउंस कर दी जाती है, तो हमारी जानिब से क्या कोई ऐसा थिंक टैंक है जो कि इंटरनेशनल थ्रेट्स को देख रहा हो, आज से 10 साल बाद जो काम करने हैं उनको प्रिडिक्ट किया जा रहा हो? देखिए, दूसरे ममालिक में तो एक छोटी सी काउंटी के लिए पूरी थिंक टैंक बैठी हुई होती है, और वो उस काउंटी के लिए, उस जिले के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आज से 10 साल बाद तक की प्लानिंग की जा रही होती है। हमारा मुल्क किस तरह से चलाया जा रहा है? हम तकब्बुर नहीं करते हैं, लेकिन ये नक्शे, ये सारा गेम प्लान कि मुसलमानों को तकसीम किया जाएगा, ये सब कुछ हमने 2002 में 2003 में लिख के दे दिया था। ब्रास टैक्स जो थिंक टैंक हमारा काम कर रहा है, वो यही काम कर रहा है, और इसीलिए पूरे मीडिया में हमें पागल कहते हैं, क्योंकि हम, पूरी गवर्नमेंट हमसे बात ही नहीं करती, ना जरदारी गवर्नमेंट ने कभी बात की, ना नवाज शरीफ गवर्नमेंट बात करेगी, क्योंकि हमारी बातें इनके सारी कमजोरियां, इनकी खामियां, इनकी गद्दारियां खोल के सामने रख देती है। एक अंधे गूंगे बहरे को, हुकूमत को क्या अपनी खामियों और कमजोरियों को देखना नहीं चाहिए ताकि उसको ठीक कर सके, उसको रेक्टिफाई कर सके? देखिए, अगर हुकूमत इसलिए आए, जिस तरह कायद आजम की हुकूमत थी, जो इसलिए जिनको पाकिस्तान से दर्द था, जो पाकिस्तान को खर्च करते थे, पाकिस्तान पर देते थे, एक रुपया डेढ़ रुपया तनख्वाह लेते थे, और सारी कमाई जो आपने पाकिस्तान बनने से पहले की थी आपने पाकिस्तान को वापस कर दी, पंजाब यूनिवर्सिटी को, भालपुर यूनिवर्सिटी को, पिशावर यूनिवर्सिटी जो बनी है, कायद आजम ने पैसे जमीनें खरीद के दिए, इस तरह के हुक्मरान आए तो उनको दर्द होता है। जिन हुक्मरानों की औलादें बाहर हों, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हों, जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर हों,
कौन सा हुक्मरान पाकिस्तान का ऐसा है जिसकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर नहीं है, किसी की औलाद बाहर है, किसी का पासपोर्ट बाहर है, किसी के पैसे बाहर है, क्या दर्द है उनको पाकिस्तान से? जज़ामिन साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम मालूम करना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका को क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है बलोचिस्तान में। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है बलोचिस्तान के हवाले से, क्यों वहां का यूएस कांग्रेसमैन यूएस हाउस में खड़े होकर यह कहते हुए नजर आए कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर देना चाहिए। फिर हमें बलोच जलावतन लीडरों से मुलाकात नजर आती है, यूएस कांग्रेसमैन की, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की मुलाकात होती हुई नजर आती है लंदन में। तो आखिर ये जो हमें स्टेप्स उठाए जाते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से बलोचिस्तान में दिलचस्पी के हवाले से, तो क्या हमारी हुकूमत की जानिब से इसका कोई डिप्लोमेटिक आंसर किया गया है? इस स्पीच के हवाले से कोई सवाल उठाया गया है कि क्या हक पहुंचता है एक यूएस कांग्रेसमैन को अपने यूएस हाउस में खड़े होकर हमारे मुल्क के हवाले से फैसले करने की? जाहिद आमिर साहब, ये बताइएगा कि इस स्पीच को देखने के बाद हमारी जानिब से कोई डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स गया है? सरताज अजीज साहब हो गए, उनकी जानिब से, वो भी कुछ दिनों पहले अमेरिका में ही खड़े हुए थे और उनके साथ ही मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने ये देखा है, उन्होंने सवाल जवाब किया है अमेरिका से कि उसको क्या हक पहुंचता है हमारे बलोचिस्तान को अलहदा करने की बात करने के? ऐसी कोई इतला मीडिया में हमें नहीं पहुंची है, ऐसी कोई इतला पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट में हमें नजर नहीं आई कि पाकिस्तान हुकूमत ने इसको नोट करके एहतजाज किया, ऐसी कोई बात नहीं। और देखिए, यहां पर हम एक बात आपको बताएं कि बलूचिस्तान की जो अक्सरियत है, जो पश्तून है या बलोच है, वो सब पाकिस्तान से इश्क करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। ये खुराफात बकवास कर रहा है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो आजादी चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं आप कल रेफरेंडम करवाएं तो बलोच जो है वो पाकिस्तान से अलहदगी का अपना फैसला देंगे। तो हम पहले टेक्सस में क्यों ना करा ले रेफरेंडम, पहले कश्मीर में करवा लो रेफरेंडम, ताकि रेफरेंडम करवाते हो अफगानिस्तान में तो तुम्हारी हुकूमत और कारजाई कितने पॉपुलर हैं वो पता कर लेते हैं। बात यह कि बेशर्मी की बात है। सिर्फ हम आपको खान ऑफ कल्लात की बात बताएं, खान ऑफ कल्लात का एक इंटरव्यू मुबशिर लुकमान के साथ पाकिस्तानी मीडिया पे मौजूद है, एक्सप्रेस पे जब मुबशिर लुकमान हुआ करता था तो उसने किया, जिसमें खान ऑफ कल्लात के पोते से मीर उमर से पूछा मुबशिर ने कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ क्यों शामिल हुआ। बड़ी हैरतअंगेज रूहानी बात है ये, सुनने और समझने वाली। तो कहा जी, अगर आपको आजादी चाहिए थी तो 1947 में आप आजाद हो जाते, आप लोग क्यों पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए अपनी मर्जी से आकर? ये कह रहा ना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान ने जबरदस्ती, गिरगे ने फैसला किया था, नहीं, उसकी हकीकत बताते हैं आपको। तो खान ऑफ कल्लात का पोता पाकिस्तान के टेलीविजन पर लाइव कहता है ये बात कि जी, उस वक्त हमारे बड़ों ने, बहुत से लोगों ने ये राय दी कि पाकिस्तान से शामिल नहीं होते हैं, बलूचिस्तान को अलग कर लेते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होते, लेकिन मेरे दादा खान ऑफ कल्लात को रात ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हुजूर ने हुक्म दिया कि पाकिस्तान बन रहा है, खबरदार अलग मत होना, पाकिस्तान से फौरन शामिल हो जाओ। जब हुजूर का बराह रास्त हुक्म आया तो मेरे दादा खान ऑफ कल्लात ने सुबह उठकर ऐलान कर दिया कि मुझे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है और मैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा हूं। इस पर मुबशिर लुकमान ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से इसलिए जुड़ा है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म था? तो खान ऑफ कल्लात का पोता कहता है, हमें तो हमारे बड़ों ने यही बताया है। बात यह है कि यह बलूचिस्तान का पाकिस्तान से जुड़ना पूरी बलोच कौम और खान ऑफ कल्लात का फैसला था, जिसमें रूहानी तौर पर अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में उनको हुक्म दिया था कि आपने शामिल होना है, और सारी बलोच कौम यह बात जानती है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आज हम खान ऑफ कल्लात से कहेंगे, अल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल के आगे शर्मिंदा होने से डरो, कि अगर आज तुम अमरीकियों के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल की बगावत में बलूचिस्तान तोड़ने की बात करते हो, जब तुम्हारे दादा ने, तुम्हारा अपना पोता यह बात कंफर्म कर रहा है, तुम्हारे दादा ये बात, और पूरा बलूचिस्तान जानता है कि बलूचिस्तान के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, उन्होंने अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ शामिल हुए और आज पाकिस्तान का इंटीग्रल हिस्सा है। और 1957 में गवादर की पोर्ट हमने खरीदी थी, ये बात भी बहुत से लोगों को नहीं पता, जब पाकिस्तान बना है तो गवादर हमारा हिस्सा नहीं था, गवादर ओमान के पास था, यानी अंग्रेजों के वक्त से ये ओमान को 100-150 साल से ये ओमान के किराए पे दिया हुआ था, और कायदे बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पैसे देकर गवादर को ओमान से खरीदा, और गवादर जो है वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान बनने के बाद हमारी टेरिटरी में शामिल हुआ है 1957।